सीधे तौर पर हमारी सरकार सीधे जनता के पास, ग्रामीण लोग के पास ये योजना को देने के लिए गांव के लोगों से संपर्क करने का ये। दादा क्या लगता है, असम के मुख्यमंत्री जी जो है वो कह रहे हैं कि फिर 12 को विधायक कांग्रेस के और जेएमएम के 3 विधायक संपर्क। देखिए उसको आप क्या बोले, असम के मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को जी यहाँ पर झारखंड आकर के यहाँ पर झारखंड वासियों को दिग्भ्रमित करने के लिए यहाँ पर उसको भेजा गया। मैं तो पहले ही बोला कि असम के जो मुख्यमंत्री जो सबसे पहले आज यहाँ हमारे इस क्षेत्र से 100-150 साल पहले आदिवासी में चाय बागान में काम कर रहे थे और आज उन आदिवासियों को वहां पर आदिवासी नहीं माना जाता है, आदिवासियों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाता है, उन लोगों को जनरल में रखा है और इन लोगों को टी ट्राइबल बोला जाता है। तो आज इस भारत देश में 32 जनजातियां है, 32 जनजातियों में टी ट्राइब तो नहीं है। तो आज भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मकसद यही है कि जिस तरह असम में यहाँ से जो आदिवासी गए असम में उसको आदिवासियों का अस्तित्व समाप्त कर चुका है और वहाँ का आदिवासी को टी ट्राइबल बोला जा रहा है, उसी तरह उसको असम का मुख्यमंत्री को झारखंड में भेजा गया है यहाँ के आदिवासियों को अस्तित्व समाप्त कर और यहाँ झारखंड के नाम को बनंचल के नाम से किया जो करने के लिए उनकी सोच है और यहाँ के आदिवासियों को जिस तरह असम में टी ट्राइबल बोला जा रहा है उसी तरह यहाँ के आदिवासियों को वनवासियों की पहचान वनवासियों के नाम से जाना जाएगा। ये उन भारतीय जनता पार्टी के मन इसी सोच के अनुसार इसीलिए उनको असम से यहाँ पर झारखंड में बुलाकर लाकर प्रभारी बनाया गया है। जो उनका सोच यहाँ के आदिवासी मूलवासी यहाँ की जनता समझ चुकी है कि आने वाले समय में हम 2024 के चुनाव में हम किसका साथ रहे हैं यहाँ की जनता निर्णय ले चुका है। दादा एक सवाल है कि चंपाई दा लगातार बोल रहे हैं कि संथाल परगना में पूरा घुसपैठिया बांग्लादेशी कब्जा कर गया। देखिए तो कब बोल रहे हैं, लगातार जब लगातार नहीं जब बीजेपी जाने के बाद बोल रहे हैं। इसका पहले तो यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, एमएलए भी बने थे, 3-3 बार मंत्री भी बने थे, 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे। उस समय ये बात बोलना चाहिए उनको, वो भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने के बाद अगर बोल रहा है तो निश्चित तौर पर ये बात हमारी वरिष्ठ नेता जो थे पहले चंपई सोरेन जी का बात नहीं है, ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली वाले नेता लोग उसकी बुलवाते हैं। परिवर्तन दिख रहा है पूरे झारखंड में, परिवर्तन यात्रा भी निकालने वाला है लोग कुछ निकाले पूरा झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का चुपड़ा साफ होने जा रहा है 2024 के चुनाव में। तो आप लोगों को देखने के लिए चुनाव आ ही रहा है, 2 महीने के बाद चुनाव होगा, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर कोल्हान का हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन पहले से मजबूत है और अभी भी मजबूत है, आने वाला समय में 2024 के चुनाव में भी हम लोग इसे और मजबूती के साथ पूरे कोल्हान को हम लोग महागठबंधन कब्जा कर लेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कोल्हान में एक भी सीट नहीं मिलेगा पूरा सपोर्ट।